बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, तो वी टेंड टू बी लिथार्जिक समटाइम्स, बट आई टेंड टू लाइक रेस्क्यू यू इन दिस मेथड। और मैं तुम्हें भगवत गीता के एक श्लोक के थ्रू कुछ लर्निंग सिखाना चाहूंगा जो भगवान खुद बता के गए हैं, और उन लर्निंग्स के थ्रू कैसे तुम अपना मोटिवेशन रेगुलर मेंटेन करके रख सकते हो, चाहे से तुम जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे से तुम किसी भी तरीके की तैयारी, किसी भी तरीके की पढ़ाई या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अपना मोटिवेशन कैसे आप रेगुलर मेंटेन कर सकते हो, डिमोटिवेशन को कैसे गिरा सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। ये बोलता क्या है, ये बोलता है माता स्पर्शा कौनती है, शीतोष्ण सुख उष्ण दुखदा। माता स्पर्शा कौनती है, शीतोष्ण उष्ण सुखा दुखा, अगम अपाइनो अनित्या तान चिचित्सु भारता। अगम अपाइनो अनित्या तान चिचित्सु भारता। इसका मतलब क्या है भैया, ये बताओ। तो इसका मतलब ये है कि ये बोला गया है कि जो भी लाइक कौनते, यहाँ से लाइक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौनते बोलकर संबोधित किया है, कौनते उनकी माता का नाम है कुंती जो है, तो उनके कुल को लेकर संबोधित कर रहे हैं, लास्ट में भारत बोला है तो उनके पिता है उनको, मतलब पूरे कुल को वो गवर्न कर रहे हैं एक तरीके से। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं जिस तरीके से हमारे शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है, उसी तरीके से सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। और ये सारी चीजें हमारे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, हमारे सेंसेस को लाइक एक तरीके से ग्रेटिफिकेशन को हम प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत बार होता है कि हमारे लाइक मोमेंटरली वो डिमोटिवेशन आता है, मोमेंटरली मोटिवेशन आता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हमारी सेंसेस जो हमें मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए।